दोस्तों, संत कबीर द्वारा रचित दोहों में करनी का क्या परिभाषा है, उनके नजरिए से करनी का क्या महत्व है, यह मैं उनके दोहों को उसके अर्थ के साथ बताती हूँ। कबीर करनी आपनी कबहु न निष्फल जाए, कबीर करनी आपनी कबहु न निष्फल जाए, सात समुद्र आड़ा पड़े मिले अगाऊ आए। अर्थात संत कबीर कहते हैं, आपके द्वारा किए हुए अच्छे कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाते। यदि आप बहुत सारे कष्टों में हो या सात समुद्र भी आपका रास्ता रोक ले, फिर भी आपके द्वारा किए हुए अच्छे कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। अतः संत कबीर कहते हैं कि सदैव ही मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकुर शंभू कर फिरे सुनी सुनाई बात। अर्थात जो व्यक्ति बिना कर्म किए हुए सिर्फ बोलता है, सिर्फ कथनी करता है, ऐसे लोग उस कुत्ते के समान होते हैं जो बिना मतलब भौंकता रहता है। अतः ऐसे लोगों की बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अर्थात संत कबीर के नजरिए से व्यक्ति को उच्च स्थान प्राप्त करने में उसका कर्म ही महत्व होता है, न कि कहना। रहनी के मैदान में कथनी आवे जाए, रहनी के मैदान में कथनी आवे जाए, कथनी पीसे पीसना रहनी अमल कमाए। अर्थात रहन सहन का तरीका कर्म करने वालों का हमेशा उच्च रहता है। ऐसे लोगों के पास सिर्फ बोलने वाले आते जाते रहते हैं और वह बोलकर चले जाते हैं, परंतु जो कर्म करते हैं वह बिना बोले अपना कार्य सिद्ध करके निकल जाते हैं। जैसे मुखते निक से तैसी चाले चाल, जैसे मुखते निक से तैसी चाले चाल, साहब संग लागा रहे पल में करे निहाल। अर्थात संत कबीर कहते हैं, जो व्यक्ति जैसे बोलता है कर्म भी उसी प्रकार से करता है, उसे सफलता शीघ्र और अवश्य मिलती है, क्योंकि उसके कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति पर परमात्मा भी खुश रहते हैं और उसे जल्द ही निहाल करते हैं। कहने का तात्पर्य है, अपने कर्मों पर विश्वास करें, न कि कहने पर। कथनी गर्व निवारणी मुक्ति स्वार्थी सोए, कथनी गर्व निवारणी मुक्ति स्वार्थी सोए, कथनी तजी करनी करे तब मुक्ता हल होए। अर्थात संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को अपने घमंड त्याग कर, अपने गर्व त्याग कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्म करने से ही उसके दिन अच्छे होंगे तथा मुक्ति का मार्ग खुलेगा। जब व्यक्ति अपनी कथनी और घमंड को त्याग करके कर्म पर ध्यान देगा, तब उसे मुक्ति मिलेगी तथा उसका जीवन खुशहाल बीतेगा। कैसे भी सामर्थ हो बिन उद्यम दुख पाए, कैसे भी सामर्थ हो बिन उद्यम दुख पाए, निकट असन बिन कर चले कैसे मुख में जाए। अर्थात संत कबीर कहते हैं, मनुष्य चाहे कितना भी सामर्थ्यवान हो, धनवान हो, परंतु जब तक वह कर्म नहीं करेगा तब तक उसे कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार भोजन आपके सामने पड़ा है, परंतु यदि आपने कर्म करके अपने हाथों से अपने मुख में नहीं डालेंगे, स्वयं भोजन उठकर आपके मुख में नहीं जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि चाहे कितना भी सामर्थ्यवान व्यक्ति क्यों ना हो, उसे कर्म अवश्य करना पड़ेगा, तभी वह सफल और खुशहाल होगा। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करो पीछे हंसे सब कोई। अर्थात जब मनुष्य जन्म लेता है तो बाकी लोग आनंदित होते हैं, परंतु जन्म लेने वाला बच्चा रोता है। अर्थात संत कबीर कहते हैं, जब व्यक्ति जन्म लेता है तब उसके आसपास उसके परिवार के लोग आनंदित होते हैं और हंसते हैं,
परंतु जन्म लेने वाला बच्चा रोता है। संत कबीर कहते हैं कि तू अपने कर्मों से ऐसा मत कर कि तेरे दुनिया छोड़कर जाने के बाद वहाँ के व्यक्ति तुम्हारे ऊपर हंसे। अपने कर्म ऐसे रख कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारे लिए रोए और इस बात से तुम्हें संतुष्टि मिले। तुम खुश हो कि आखिर तुमने ऐसे कर्म किए जो लोग तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें याद करते हैं तथा तुम्हारे जाने से वे लोग दुखी होते हैं। करनी बिन कथनी कथे गुरुपद लहे न सोए। करनी बिन कथनी कथे गुरुपद लहे न सोए। बातों के पकवान से धीरा न होए। अर्थात संत कबीर कहते हैं सिर्फ कहने मात्र से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। आप सिर्फ कहोगे लेकिन उसके अनुसार कर्म नहीं करोगे, इस प्रकार करने से आपको ना तो उचित गुरु मिलेंगे और ना ही समाज में उचित स्थान मिलेगा। जिस प्रकार सिर्फ बातों की पकवान से, अर्थात आप सिर्फ पकवान पकवान कहते रहोगे परंतु पकवान बनाने का उद्यम नहीं करोगे या पकवान को हासिल करने का उद्यम नहीं करोगे तो वह आपकी थाली में नहीं आएगा। उसी प्रकार बिना कर्म किए कोई भी सफलता हासिल नहीं। साहेब के दरबार में क्यों करी पावे दान। साहेब के दरबार में क्यों करी पावे दान, पहले बुरा कमाएंगे बाद करें फरियाद। अर्थात यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसका नतीजा भी बुरा ही निकलेगा, परंतु काफी लोग इन बातों को समझते नहीं है। बाद में अपने किए हुए कर्मों का सजा भुगतने का समय आता है तब वह ईश्वर से फरियाद करते हैं, हे ईश्वर हमारी कर्मों की सजा को माफ कर दे। परंतु जब आपने कर्म बुरे किए हैं तब ईश्वर आपकी क्या रक्षा करेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दे और हमेशा सदैव ही अच्छे कार्य करे ताकि उसका फल भी अच्छा ही हो। श्रम ही तेल सब कुछ बने, बिन श्रम मिले न काही। श्रम ही ते सब कुछ बने, बिन श्रम मिले न काही। सीधी उंगली घी जमो, कबहु लिख से नाही। अर्थात संत कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, बिना श्रम के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जिस प्रकार जमा हुआ घी यदि आप चाहे कि सरलता से निकल जाए तो वह नहीं निकलता, उसको निकालने के लिए आपको श्रम करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसी प्रकार किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, कोई भी सफलता हासिल करने के लिए, चाहे वह जीवन के कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, आपको परिश्रम अवश्य ही करने पड़ेंगे। अतः परिश्रम करें और सफलता का स्वाद चखें। दोस्तों यह था संत कबीर के नजरिए से करनी की व्याख्या। इसी के साथ आपसे आगे लेती हूँ, अगली बार संत कबीर की फिर किसी अच्छे विषय पर व्याख्या के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार। हाँ दोस्तों, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।